हेलो नमस्कार, दिस इज योर बॉय एम के ब्लॉग फ्रॉम संबलपुर। आई एम टुडे आई एम गोइंग टू उमा मंदिर और आज 7 फरवरी और 4 बज चुके हैं घर से निकलते निकलते। और फ्यूल काफ़ी कम है तो पहले फ्यूल डलवाएंगे, फ्यूल अप करके सो वेयर वी आर फॉर पेट्रोल फ्यूलिंग। सो दिस इज गोसाला एंड इधर से संबलपुर और 20 किलोमीटर है। सीधा आने के बाद टाउन मतलब सिटी स्टेशन में वैसा पूरा पकड़ लेना, पूरा सीधा आना। वहाँ से मैक्सिमम 10 किलोमीटर होगा वो यहाँ तक, और यहाँ से फिर लेफ्ट, ये सीधा मतलब टाउन में रोड लिखा होगा साइन बोर्ड पे, तो उस रास्ते पे सीधा चले जाना है। ठीक है, अभी ये सीधा जाना है मुझे, सीधा जाके धनुपल्ली, धनुपल्ली से वो शंकर मठ बोल के एक मंदिर है वो वाला सब पकड़ लेते हैं, मैं दिखाऊँगा। ठीक है आपको, बैटरी कितना है देखने में काफ़ी बैठी है। आई एम सॉरी फॉर रश ड्राइविंग, ये गाड़ी पकड़ने से हुमा कितने दूर है बा? हुमा हुमा कितने दूर है भाई? 25 किलोमीटर। 25। एक्साइटमेंट में आगे चलाया, अभी पीछे है वो रास्ता, तो पीछे यू टर्न लेके फिर लेफ्ट को जाना है मुझे। सो वहाँ से 25 तो नहीं है, अराउंड 25 के आसपास है, और इधर से मंदिर रोड से अंदर और 3 किलोमीटर है, तो चलते हैं। ठीक है, तमाम मंदिर पहुंच चुके हैं, वी जस्ट पार्क हियर एंड मछलियों को खिलाने के लिए चारा, मतलब खाना उनके लिए। और दिस इज द बकर मंदिर, सो दिस इज आई थिंक पार्क है इधर, और कोविड के लिए बंद है। I think this is back side of mandir. This is the legendary Huma mandir. Yeah, band hai mandir, band hai. Khane peene ke liye hotel hai. Chhota chhota dukaan hai. Aur
सो कुछ ऐसा दिखता है हुमा मंदिर इधर से, 45 डिग्री डाउन है ना एक तरफ, तो टेढ़ा दिखता है और बहुत ही पुराना मंदिर है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ा मुझे एंजॉय करने दीजिए। मैं खुद एंजॉय करता हूं, फिर आपको रिव्यू बताता हूं कि कैसा है क्या है। और यहां पे मछलियां भी बहुत है उनको खिलाने के लिए साथ देना। और हाँ, इधर तो मैं सनसेट ज़रूर देखूँगा इधर बैठ के। बोट से उधर जा रहे हैं लोग और इधर बैठा हूँ। सो हियर इज सम स्टोरीज अबाउट हुमा मंदिर। तो ये मंदिर 1545 को शुरू हुआ ऐसा बोलते हैं। और यहाँ दिस इज ए सेव टेम्पल। और यहाँ पे जो मछली है उनके बारे में बोला जाता है कि विष्णु भगवान मछली के अवतार में इधर रहते हैं। और इधर एक इंसान, मतलब बहुत पहले बोलते थे कि एक इंसान यहाँ के मछली पकड़ के काटने का प्रयास कर रहा था, तो वो पत्थर हो गया पूरा। तो ऐसे कुछ बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत कुछ है। एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द सनसेट ओवर हियर। प्यारा नज़ारा इधर जैसे कि दो सन डूब रहे, एक साथ जैसे दिख रहे, एक नीचे से एक ऊपर से, अभी जाके कनेक्ट हो जाएंगे ऐसा लगता है। और दिस इज महानदी, ये मंदिर के पीछे से बहता है महानदी। और हुमा मंदिर के बारे में और एक बात है कि ये ज़मीन से थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अंदर से पूरा सीधा है, लेकिन बाहर से अगर देखोगे तो बहुत टेढ़ा दिखता है। इसलिए लोग बहुत ही खुशी खुशी आते देखने कि मंदिर बाहर से ऐसे दिखता है और अंदर से पूरा स्ट्रेट है, मतलब अंदर कुछ हुआ ही नहीं जैसे ऐसे लगता है। सो दिस इज़ द रीज़न। और लोग यहाँ पे सनसेट देखने भी आते हैं। हुमा मंदिर ज़मीन से 46 डिग्री एंगल में लीन है, ज़मीन को मतलब 46 डिग्री एंगल में टेढ़ा है। अच्छा लगा, शांति भी काफ़ी मिली, मतलब बहुत सुकून मिला, मतलब बहुत ही पीसफुल प्लेस है। मतलब आज संडे है फिर भी इतना पीसफुल है, तो बाकी दिन कैसा होगा। और हाँ, संडे को मंदिर बंद रहता है, अभी मैं सुना, अभी लोकल लोगों ने बोला कि संडे बंद रहता है बाकी दिन खुला रहता है। तो अगर मंदिर देखना आना है तो मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं आप। आई एम जस्ट लिविंग दिस प्लेस, मतलब हुमा मंदिर देख लिया, काफ़ी सारा कुछ देख लिया, मतलब सारा कुछ नहीं, मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं देखा। अभी मैं घर जा रहा हूँ, काफ़ी लेट होगा, जैसे फिर 42 किलोमीटर है घर, तो एक घंटा तो लग ही जाएगा मुझे। तो ऑन द वे बात करते हैं, ठीक है, अभी मंदिर से बाहर निकलता हूँ। दिस इज माई बेस्ट अबाउट टू गो, चलते हैं। मतलब मज़ा आया, आके पीसफुल जगह था, अकेला आया था तो थोड़ा मतलब एनर्जेटिक नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि अकेले में थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता ना, अक्सर कोई साथ हो तो उसके साथ बातें शेयर करो, जगह देखो, कुछ भी करो, मज़ा तो डबल इज़ बेटर, यू नो। टाइम हो चुका है, शाम भी हो चुका है, तो जल्दी जल्दी घर जाना है, बस यही बोल। और गोप्रो में भी चार्ज नहीं इधर, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा अभी तो, बस घर पहुँच के ही, मतलब अभी तो बंद हो जाएगा और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा, रास्ते में डायरेक्टली घर ही जाऊँगा, देन एडिटिंग एंड। सो अगर आई डोंट, मतलब
फुल ऑन एनर्जेटिक वाला ब्लॉग तो नहीं है ये, फिर भी अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बहुत सारा जगह घूमना है, बहुत सारा ब्लॉग बनाना है, तो अगर आप समरपुर से और आपको कोई नया जगह आपके दिमाग में है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए, मैं भी एक बार जाना चाहूँगा उधर।